हेलो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवन स्टडी एरिया पर चलिए आज हम कुछ हिंदी के क्लास बेसिक यानी शुरू से लेके चलते हैं जो कि क्लास नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ आपको सभी में यह कार्य दिया जाए कार्य होगा तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ण विचार पर वर्ण विचार आप लोग की जैसा जानते होंगे वर्ण विचार इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थोग्राफी अर्थोग्राफी विचार विचार के मतलब आप लोग जानते होंगे विचार के मतलब होता है चर्चा करना किसी भी चीज पर हम उस पर विचार कर रहे हैं बोल रहे हैं बारे में उसको पढ़ रहे हैं वह विचार होता है और वर्ण वर्ण के मतलब होता है जो कि आप लोग क्लास वन टू थ्री फोर फाइव में पढ़कर आए होंगे औ से लेके तक उसी के बारे में यहां पे हम कुछ पढ़ेंगे वर्ण के बारे में चलिए वर्ण इसको हम लेटर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं लेटर वर्ण आखिर है तो क्या है वर्ण तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है मूल मतलब शुरुआत तो और ध्वनि मतलब आवाज तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा या उस वर्ण को और छोटे भागों में विभाजित या खंड नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं चलिए इसको हम लिख देते हैं परिभाषा का वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है तो यहाँ पे वर्ण क्या है तो वर्ण उस वर्ण उस मूल ध्वनि वो कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है क्या कहलाता है वर्ण कहलाता है फॉर एग्जाम्पल आ, आ, रस्वी दीर्घ ई ऊ री ए र च प इत्यादि वर्ण है यह सभी क्या है वर्ण है अ आ ई री ए यानी ये तमाम सारी जितने भी अ से लेके यबक तक जितने हम अक्षर पढ़ते हैं वह सभी वर्ण के अंतर्गत आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं वर्ण के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग वर्ण समझ गए होंगे वर्ण आप लोग अगर कोई किसी प्रकार के दिक्कत होगा वर्ण में तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वर्ण अब चलते हैं वर्ण वर्ण हो गया होता है वर्णमाला वर्ण माला जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट अल्फ़ाबेट बोला जाता है वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है अल्फाबेट बोला जाता है ये अल्फ़ाबेट क्या है ये आप लोग इससे स्पष्ट होंगे माला माला से आप लोग स्पष्ट होंगे किसी प्रकार के अगर माला बनाते हैं जैसे फूलों का माला मोतियों का माला तो उसमें आप देखते होंगे से उस फूलों के माला में एक फूल नहीं रहते होंगे फूलों का क्रमबद्ध संग्रह रहता होगा समूह रहता होगा तब वह माला का निर्माण होता है तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ण है क्या है वर्ण अर्थात अक्षर है क्या है अक्षर। तो अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्ण बोला जाता है या इसी को हम लिख सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध संग्रह या समूह संग्रह या समूह को वर्णमाला कहा जाता है क्या है वर्णों का यह संग्रह है वर्णों का समूह है जिस प्रकार से माला का निर्माण होता है कई प्रकार के फूलों से कई प्रकार के मोतियों से उसी प्रकार ये वर्णों का माला है तो क्या है इसमें बहुत सारा वर्ण होंगे तो बहुत सारा वर्णों के समूह को हम क्या बोलेंगे वर्णमाला बोलेंगे चलिए हिंदी व्याकरण में वर्णों कितने होते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या फिफ्टी टू होती है अर्थात बावन होती है हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है बावन होती है इससे पहले किसी किसी बुक में फोर्टी एट भी लिखा जाता है वो भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन आप जिस प्रकार के क्लास में क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में जाइएगा तो उसमें आपको फिफ्टी टू पढ़ा जाएगा इसका और चार गो प्लस किया जाता है इसमें क्या क्या किया जाता है सो हम इस समय अभी बतलाएंगे आपको से क्या क्या प्लस किया जाता है तो फोर्टी एट भी गलत नहीं है लेकिन अगर ऑप्शन में फोर्टी एट भी रहे और फिफ्टी टू रहे तो वहाँ पर फोर्टी एट आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे क्या होगा फिफ्टी टू होगी अगर फिफ्टी टू न रहे और फोर्टी टू रहे और इनमें से कोई भी ना रहे इनमें से कोई ना रहे तब इनमें से कोई मारेंगे और इनमें से कोई भी नहीं है और फोर्टी एट है तब उस समय फोर्टी एट का हम वर्णों की संख्या कुल संख्या निर्धारित करेंगे ना अगर फोर्टी टू फिफ्टी टू है और फोर्टी एट भी है तो उस समय हम फिफ्टी टू का इस्तेमाल करेंगे वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी फिफ्टी टू होगी कैसे होगी फिफ्टी टू तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं अन् आ, आ, आ। फिर यहाँ से लगते हैं क ख ग ये आप लोग को मालूम होगा लेकिन यहाँ पे हम 52 पुराने के लिए इसको लिखते हैं न थ प फ बलाब सन सक्ष त्र ज्ञ और स्र ये टोटल आपको फिफ्टी टू और एक होता है इसको र पढ़ा जाता है इसको ढ पढ़ा जाता है इसका हम उपयोग बतलाएंगे कहाँ कहाँ उपयोग होता है और इसका भी बतलाएंगे ये दोनों आपको लगता होगा छोटे क्लास में पढ़े होंगे ये और ये यानी ये वाला ड और ये दोनों एक ही होता है लेकिन वास्तव में ये दोनों एक नहीं होता है यहाँ पे इसको ड पढ़ते हैं और इसको रॉ पढ़ते हैं हम आपको शब्द के अनुसार सेंटेंस के अनुसार इसको हम बतलाएंगे से इसको ड कहाँ पढ़ा जाता है रॉ कहाँ पढ़ा जाता है फिलहाल अभी यहाँ पे आपको 52 वर्णों की संख्या पुरानी है तो चलिए हम फिफ्टी देखते हैं ये टोटल आपको यहाँ पर हो जाएगा काउंट कर लीजिए थर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्वेंटी फाइव कितने होंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और यह फाइव है और सभी में फाइव पे कै गो है पाँच गो है तो पाँच इन टू पाँच ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पर आ देखिए यहाँ पर आपको ट्वेल्व हो जाएंगे कितने हो जाएंगे ट्वेल्व और ये टू तो ट्वेंटी फाइव और टू थर्टीन कितने हो जाएंगे तो थर्टी एटी एट और टू फोर्टी और ट्वेल्व फिफ्टी टू पूर गया कि वर्णों की संख्या कितनी होती है तो बावन होती है अभी हम तुरंत थोड़ी देर पहले बताए आप लोगों को तो यहाँ पे फोर्टी एट भी रहती है कोई कोई एग्जाम में आप देखिएगा फोर्टी एट का भी ऑप्शन में इस्तेमाल किया जाता है ए भी सही है वन की संख्या फोर्टी एट ए भी सही है लेकिन यहाँ पे इसको हटा दिया जाता है वन हटा दिया गया तो फि फोर्टी फोर्टी एट है यहाँ पे फिफ्टी टू है तो इसको हटा दिया गया तो क्या कितना बचेगा इसमें से फिफ्टी वन बचेगा अब क्या किसको हटा देता है ये दोनों को हटा देता है तो फिफ्टी वन में से फिर दो घटा देंगे तो फोर्टी नाइन हो जाएगा और एक क्या हटा दिया जाता है आप लोगों को बतला देते हैं एक ये री हटा दिया जाता है तो फोर्टी एट हो गया होने गया फोर्टी एट यानी ये चारों को लुप्त कर दिया जाता है उसके बाद फोर्टी एट वर्णों की संख्या बतला दी जाती है ये भी गलत नहीं है ये भी सही है लेकिन जहाँ पे अगर 52 और 48 दोनों ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे 58 मारिएगा गलत हो जाएगा फोर्टी एट मारिएगा गलत हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 52 होगी तो आप लोग समझ गए होंगे सुवर्णों की कुल संख्या कितनी है तो फिफ्टी टू है तो और इसी फिफ्टी टू को इसी फिफ्टी टू को क्रमबद्ध संग्रह क्रमबद्ध संग्रह को वर्णमाला बोला गया है क्या बोला गया है वर्णमाला आपसे पूछेगा हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या कितनी है अल्फाबेट की संख्या कितनी है तो वन है कितनी है वन है यानी इस सभी को इस सभी को मिला के इस सभी को मिला के आ, उसके बाद कितना कर दिया गया है एक इसका नाम रख दिया गया है वर्णमाला वर्णमाला की संख्या कितनी एक और वर्णों की संख्या फिफ्टी टू तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो ये तमाम सारी चीज़ें अगर आप लोगों को इसमें किसी प्रकार के दिक्कत होंगे अगले वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चलिए तो ये आप लोग समझ गए होंगे अब हम चलते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं उसका प्रयोग कहाँ है क्यों हम वर्णों का भेद क्या है वह सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो वर्ण जो होती है आपका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक होता है स्वर वर्ण जिसको आप लोग अंग्रेजी में भोवल पढ़ते होंगे क्या पढ़ते होंगे भोवेल तो वर्ण वर्ण के कितने भेद दो एक स्वर वर्ण स्वर्ण वर्ण इसको इंग्लिश में आप लोग भोवल पढ़ते होंगे क्या पढ़ते होंगे भोवेल दूसरा होती है व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण इसको इंग्लिश में आप लोग कौनसो नेट पढ़ते होंगे क्या पढ़ते होंगे कौनसो नेट यानी एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण ये स्वर्ण वर्ण क्या है व्यंजन वर्ण क्या है वो सभी के बारे में अब हम जानेंगे स्वर्ण वर्ण क्या है व्यंजन वर्ण क्या है स्वर्ण वर्ण स्वर्ण वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं स्वर्ण वन स्वर्ण वन बन उन वर्णों का कहा जाता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है स्वर्ण वर्ण किनको कहेंगे स्वर्ण वन उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण बोलने में लिखने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसको क्या कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं भौवेल कहते हैं तो स्वर्ण वर्ण वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य या इसी को दूसरे भी बोला जाता है किसी अन्य वर्णों की सहायता या मदद नहीं लिया नहीं लिया जाता हो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है मैंने आप लोगों को तुरंत बताया है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य अन्य मतलब दूसरा अन्य मतलब दूसरा यानी खुद को छोड़ के कोई दूसरा हो वर्णों की सहायता या मदद सहायता या मदद एक ही चीज हुआ नहीं लिया जाता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं जैसे अ आ, आ, ह्रस्वी दीर्घ ई उ, ऊ उ, उ, री ए आ, आ, ओ, ये क्या है ये सभी क्या है स्वर्ण वन है ये सभी क्या है स्वर्ण वर्ण है कैसे मालूम चलेगा तो थोड़ा सा हम बोलते हैं और अभी आप भी वीडियो देख के अपना प्रैक्टिस कीजिएगा उच्चारण कीजिएगा इस वर्णों को बोलने में यहाँ परिभाषा है वैसा ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है जैसे अ आ ई ऊ री ए अब इसको हम उच्चारित करते हैं बोलते हैं आ, आ बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है अ के सिवा किसी दूसरे वर्ण इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आप लोग बोल के देखिएगा उच्चारित करके देखिएगा आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा अ को बोलने में किसी तीसरे वर्ण जैसे अ को बोलने में किसी दूसरे वर्ण क च म ये सभी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है तो ये अ हो गया आ हो गया ई हो गया ई ये तमाम सारी वर्ण जो है वो सभी कौन सा वर्ण कहलाते हैं स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं अब चलते हैं हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में स्वर, वर्णों की कुल संख्या यहाँ से आप लोग को मालूम चल गया है से हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या की इसको काउंट कर लीजिए आपको खुद मालूम चल जाएगा से कितनी है हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की संख्या एलेवन होती है कितनी होती है ग्यारह ग्यारह होती है हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी है ग्यारह होती है यहाँ से काम कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी है ग्यारह होती है अब हम चलते हैं व्यंजन वर्ण में किसमें चलते हैं व्यंजन ये हुआ आपका व्यंजन वर्ण क्या हुआ व्यंजन वर्ण इसमें क्या होता है तो ये जो वर्ण है वह स्वर्ण वर्ण की सहायता या स्वर्ण वर्ण के सहायता से उच्चारित किया जाता है बोला जाता है या लिखा जाता है या व्यंजन वर्ण कहलाता है जैसे में वैसा वर्ण वैसा वर्ण जो किसी अन्य जो किसी अन्य या स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित किया जाता है किया जाता है क्या लिखा है. तो है वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण या स्वर्ण वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाता है कौन सा बन कहलाता है व्यंजन बन कहलाता है पा। जैसे में क यानी कहा जा इत्यादि कर लीजिए कहा जा सकता है सो स्वर्ण बन के छोड़कर वर्णों की कुल संख्या कितनी बतलाए थे फिफ्टी टू बतलाए थे तो उसमें से स्वर्ण वर्णों की संख्या को छोड़ के जितना जो बचा वो लगभग लगभग लग सभी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं उसमें से कुछ अलग वर्ण होते हैं लेकिन लगभग लगभग हम पूरे नहीं बोले लगभग लगभग बोले लगभग लगभग पूरा लगभग लगभग वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं आप कहीं जिस प्रकार हिंदी भी, हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या तो एलेवेन थी उसी प्रकार उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या थर्टी थ्री है कितना है थर्टी थ्री है हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है थर्टी थ्री है तो आप लोग थर्टी थ्री कैसे होगा तो देख यानी स्वर्ण वर्णों को छोड़ देना है किसको छोड़ देना है स्वर्ण बन इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्वर्ण बन यहाँ पे इसका अलग है ये स्वर्ण बन अलग है और यह व्यंजन वर्ण अलग है इसके सहायता से यह बोला जाता है उच्चारित किया जाता है लेकिन ये सभी नहीं आएगा इसमें यह जो स्वर्ण बन हम दिखलाए हैं लिखे हैं ये नहीं आएगा इसको छोड़ के आएगा लेकिन इस व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वन की सहायता ली जाएगी क ख ग घ ये तमाम सारी कौन सा वर्ण है तो व्यंजन वर्ण है अब इसमें देखिए क को, को हम उच्चारित करते हैं क क को, को हम उच्चारित करेंगे तो इसमें अ का उच्चारण आएगा लास्ट में देखिएगा क आप लोग बोल के देखिएगा क इसमें अ का उच्चारण आएगा जैसे इसमें हलंत लग जाएगा तो इससे अ जो ये क बना है क जो बना है वह हलंत यानी क प्लस अ से मिलके बना हुआ है ये अ जैसे इसमें हलंत लग जाता है तो अ का उच्चारण इसमें से हट जाता है और यह शुद्ध व्यंजन कहलाता है कौन सा व्यंजन कहलाता है शुद्ध व्यंजन लेकिन अभी इसमें अभी इसको हलंत अगर हटा दिया तो इसमें स्वर्ण वन की सहायता लिया गया है जैसे अ इसमें अ में देखिएगा च बोलने पर लास्ट के आपको उच्चारित में च अ इस प्रकार से आ रहा है कि ना तो अ उसी प्रकार तमाम सारी है जे थर्टी थ्री है वो सभी को सभी में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली गई है तो ये आप लोगों को अब वर्ण स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण कितने प्रकार सोन वर्ण कितने व्यंजन वर्ण कितने प्र वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो सोन वर्ण व्यंजन वर्ण ये दोनों के बारे में आप लोग को डिटेल्स जानकारी मिल गई होगी किसी प्रकार के कठिनाई होगी तो उसमें आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत